नमस्कार, स्वागत है एग्री इनपुट शॉप यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि धान की फसल रुक चुकी है और हमें जो कि कल्लों की संख्या बढ़ानी है मेड़ों में, कल्लों की संख्या लगभग 50 से 60 होनी चाहिए, तभी हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो हम क्या क्या डालें इसमें जिससे कि हमारी कल्लों की संख्या ज़्यादा मिले और जो कि हमारे फसल में जो कीट होते हैं जैसे कि दीमक हुआ, अन्य भी कीट होते हैं जैसे कि सुड्डी का प्रकोप होता है, जैसे कि जड़ों में सुड्डी लग जाती है, उसके नियंत्रण के लिए हमें जो कोई फर्टिलाइज़र के साथ क्या क्या देना चाहिए जिससे कि हमारे प्रॉपर रूप से फसल अच्छी चले और हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो हम बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो आती हैं और आते ही रहेंगे। तो हम बात करने वाले हैं जो कि ह्यूमिक होता है 98% में, ह्यूमिक होता है जो कि ह्यूमिक होता है 98% में, इसको हम एक एकड़ में कितना डालें और यूरिया डालें। यूरिया के एक एकड़ में 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ इसको ह्यूमिक 98% वाला ही डालें, 98%। तो एक एकड़ में हम इसको डालेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 98% वाला ह्यूमिक हम लगाएंगे। उसके साथ में जो कि मोनोजिंक होता है, मोनोजिंक कोई भी कंपनी का जिंक होगी, जिंक लीजिए, उसमें 5 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा दीजिए, तो आपकी जो कि कल्लों की संख्या 50 से 60 देखने को मिलेगी। अगर हमारी खेत में जो कि दीमक है और जो कि सुट्टी का प्रकोप है, जड़ों में सुट्टी हो जाती है, तो उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या फर्टिलाइज़र के साथ ही इसी में फर्टिलाइज़र के साथ में मिक्स करके हमें डालना है। तो हम बात करने वाले हैं जो कि टिप्रोनिल 0.3% GR4 में आता है। तो एक एकड़ में हम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है जो कि जमीन में जो दीमक होती है, दीमक और जो सुड्डी होती है वो प्रॉपर रूप से नष्ट हो जाती है, इसको हम लगा सकते हैं। और अगर लगाने के बाद तुरंत ये यूरिया मिक्स करके आप लगा सकते हो। लगाने के बाद उसके बाद पानी, हल्का ही पानी दीजिए, ज़्यादा पानी ना दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देने से जो कि फसल में ज़्यादा पानी भी होना ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर एक पानी लगाने के बाद दूसरा पानी कब लगाएं, दूसरा पानी 5 से 6 दिन में आप लगा सकते हैं। अगर प्रॉपर रूप से अगर पानी आपके खेत में प्रॉपर रूप से है, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉपर रूप से भरा हुआ है तो आप इसे डाल सकते हैं बिना सिंचाई किए। अगर पानी ज़्यादा दिनों तक रुक जाता है तो उसके लिए हम डाल सकते हैं, इसमें मिलाकर सल्फ़र होता है, सल्फ़र कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए, 80% में लीजिए या 90% में आप सल्फ़र डाल सकते हैं। सल्फ़र की बात करते हैं, सल्फ़र के एक एकड़ में कितना डालना चाहिए, 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फ़र लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है जो नमी वो अब्जॉर्ब कर लेती है, नमी प्रॉपर रूप से कम कर देती है और फसल में नमी भी प्रॉपर रूप से कम होनी भी चाहिए, तो जो पौधा है हमारा ग्रोथ अच्छा करता है। तो आप ये आप लगा सकते हैं तो आपकी फसल में जो कि कल्लों की संख्या 50 से 60 देखने को मिलेगी। कौन कौन किसान भाई इसे ये जो कि ह्यूमिक हुआ, जिंक हुआ, सल्फर हुआ और फिप्रोनिल का इस्तेमाल किया है वो भी कमेंट करके बताएं, और कैसा रिजल्ट रहा है वो भी कमेंट करके बताएं। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, आप लोग लगा के देखिए, कोई भी कंपनी का आप लेंगे, अच्छी से अच्छी ही कंपनी का लें। जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय जवान, जय कृषि।